भाई भाई हम शिकार करके ले जा रहा है किसी का। शाम के बज गए 5:30 और यहाँ पे हम पूल की साइड जा रहे हैं। तो गाइस रणथंभौर तो हम पहुँच गए हैं फाइनली। होटल थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, देख सकते हैं हम यहाँ जंगल ही जंगल। तो ये होटल है और इसमें कॉटेज रूम वगैरह सब है, तो अपना फटाफट चेक इन करते हैं। जंगलोर बीच यहाँ से आप व्यू देखो भाई, बड़ा मजा आने गाइस। एक ये रूम है ट्विन बेड वाला, अभी फाइनली चेक इन हो गया। इसमें बालकनी मिली बढ़िया, यहाँ पे बैठ के फुल एंजॉय करेंगे रात को एंड सुबह चाय वगैरह पियेंगे मस्त। यहाँ से व्यू बढ़िया दिख रहा है। ये शायद उधर है मेरा 400 फर्स्ट वाला है। ये रूम है ट्विन बेड, देख सकते हैं भी बढ़िया भाई, बालकनी मिल गई जो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड पहली चीज़ तो आप सभी से भाई हाथ जोड़ के माफ़ी है कि मैंने व्लॉग इतनी लेट अपलोड करूँ, मतलब अभी तो शूट ही कर रहा हूँ, मतलब अपलोड लेट होगा थोड़ा सा। तो बहुत पहले मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि इतने दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड करूँ, बिकॉज यार मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो गया था एंड बिल्कुल टाइम नहीं मिला यार। मतलब मैं सोचता था कल बनाएंगे, कल करते करते पता नहीं कितने दिन निकल गए। तो कोई बात नहीं, खैर आज हम फाइनली एक ट्रिप पर जा रहे हैं, हम रणथंभौर जा रहे हैं, मैं एंड मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो अभी वो लोग वेट कर रहे हैं हमारा आगे, हम घर से अभी चल रहे हैं। तो खूब इंजॉय करने वाले इस ट्रिप पे एंड पूरा कवर करूँगा मैं, जंगल सफारी एंड जो भी हम करेंगे सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये व्लॉग फाइनली आ गया एंड आगे भी व्लॉग आते रहेंगे। मत सोचो ये कहीं कुछ लोग कह रहे थे भैया व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉगिंग क्या हो गया। देखो भैया व्लॉग्स तो आएंगे, बट ये मुद्दा है कि मैं ना ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है समझो अभी, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है कि भाई आपके लिए कभी आपको अपने पैशन के थोड़ा सा टाइम कम मिलता थोड़ा मिलता है, तो वो चीज़ें हैं। बट इतना माइंड मत करो, व्लॉग आते रहेंगे भाई, इसकी टेंशन मत लो। तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रिप हमारी, पहले दोस्तों का जाते हैं फिर वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं ना, आपको सब दिखाते हैं आज, फुल एंजॉय करेंगे। तो गाइस हम सब तो आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन दो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। एक तो ये अंदर कनिष भाई, इन्होंने बोला था ये सुबह 6 बजे रेडी मिलेंगे, लेकिन अभी सोकर उठे नहाए नहाएंगे तैयार होंगे और फिर जाएंगे, पता नहीं कितने बजे जाएंगे। और एक हमारे भाई आ रहे हैं थार लेके, करणवीर, वो भी मतलब ये दोनों बंदे थे रात को कह रहे थे 2 बजे तक, 3 बजे तक सो ही नहीं रहा, 3 बजे सुबह बोल रहे थे कि मतलब रात को बोल रहे थे कि जो सुबह 6 बजे नहीं आया उसके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, और खुद ही नहीं सोए रात को। अभी आप टाइम देख लो, 6 बजे तो हम रेडी थे, 7:30 हो रहे, ये घर से बाहर नहीं आ रहे और वो पता नहीं ये उठे अब, ये जोड़ना बाप है, ये उठे ही अभी है, वो तो फिर भी चलो पहुंचने वाले हैं। गाइस बताओ ऐसे आपके कौन कौन दोस्त है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखो ये बैठे हम खड़े हैं और ये चाय पी रहे अंदर मस्त। गाइस ये बंदा है, ये नहाया भी नहीं है और वैसे उठ के आ गया सीधा बैग लेके, भाई नहा दो तो लो कम से कम, तो यार टाइम लग जाएगा गाड़ी भाई गाड़ी में नहा लो, अब ज्यादा ना मिस्टर भी नहाता जैसे ब्रश व्रश करते है भाई, सच में नहीं नहा रहा भाई ये भाई, ये डेडिकेशन होती है बंदे की, तुम देखो तुझे तारीफ करने वाली बात है, बंदा बिना नहाए धोए सीधा बेड से उठ के ये भाई बताओ मेरी अटैची अभी बांधी है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, ये अटैची, अरे इसमें है मेरी बात सुनो, ये अटैची के ऊपर सोया था रख के मोनू, ये अटैची के ऊपर सर रख के सोया था भाई, वैसे उठ के लिया है भाई, इसमें से बहुत माल निकलने वाला है, 80 लाख रुपया निकलने वाला है इसमें, सच में देखना तेरे को, हाँ अटैची को मना भी नहीं कर रहा, मना क्या कर रहा भाई, ओह माय गॉड, इतने ही सुबह डाला है भाई, मेरे को तो अभी लग रहा नहीं भाई, इसे रात को डाल रखा था, इसके ऊपर सर रख के सो गया और वैसे ही उठ के बाहर आ गया भाई, बोला चलो ट्रिप पे। भाई भी रास्ते में परेशान नहीं हो, चाय वाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्या दिक्कत है, करनी गाड़ी में जाना भाई, इनको रात को ये आप कैसे चला रहे हो गाड़ी, ये आप कैसे चला रहे हो गाड़ी, मतलब अभी आप ग्रैंड विटारा को खत्म कर देते, ये देखो चिप्स खाते हुए, ये चिप्स खाते हुए थार चला रहे हैं और अभी इसको उड़ा रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे, ये बंदा नहाया तक नहीं अभी तक, मैं भी नहीं नहाया, ब्रश भी नहीं किया भाई, ब्रश भी नहीं करा आपने, वाह यार, नाश्ता क्या करना है भाई, वो बंदा आया बाहर बैग रख के चला गया और अब बोलता मैं नहाने जा रहा हूँ, उसको लेके आओ बाहर आप, अरे भाई अभी क्या है नहाने रुक जा। तो ये दोनों गाड़ियां लेके चल रहे हैं आज, इसको बहुत टाइम से ट्रिप नहीं कराई थी, मैं इसको लेके चलते हैं आज, ये ऑन टाइम हुआ, ये बंदा सुबह बोला 6 बजे आ जाऊंगा, ये देखो 8 बज गए, भाई तूने रात को क्या मैसेज कर था ग्रुप में कि 6 बजे जो नहीं आया मैं ऐसे करूंगा वैसे कर दूंगा, 3 बजे रात तक जगे मैं, और अभी ये टाइम देखो क्या हुआ भाई, बंदा 8 बजे आया भाई, इतनी इतनी आपको इतनी ठंड क्यों लग रही है, मैं हिमाचल नहीं जा रहे हम, ये मनाली की तैयारी करके क्यों आए, रणथंभौर जा रहे हैं।
इंस्टाग्राम लाइव। तो भाई हमारे लिए कोल्ड कॉफी बना के लाए और आप टाइम देखो 8 तो बजाई दिए यहाँ पे, इनको कोल्ड कॉफी पीनी थी, नींद आ रही थी इनको। ये खुला है तो भाई हमारे टेक अवे भी आए थे, लेकिन ये लग रहा है बंद है क्योंकि टाइमिंग लिखी है 11 से 1। नहीं भाई मेरे को बंद लग रहा है, ये पता नहीं ये भी खुला हो, इसकी भी टाइमिंग 11 से 1 होगी। एक बार देखते हैं फिर क्या है भाई, वरना खाने के रास्ते में करेंगे। 11 अंदर भी मतलब अंदर 11:30 खुलेगा, अभी 11 तो ठीक है भैया। यहाँ पे 24 घंटे वाला सिस्टम नहीं जो कैनेडा में चलता है, यार यहाँ शायद हाईवे वाला खुला हो अजमेर हाईवे पे, फिर ये पता नहीं। हम सिटी हाईवे थोड़ी जाना। नहीं नहीं वैसे कह रहा हूँ मैं, कहीं सिटी वाले बंद रहते हैं, अजमेर हाईवे वाला हो सकता है 24 घंटे होता हो, क्या सिटी में आ गया ना। चलो कोई बात नहीं, हाईवे पे देखेंगे रास्ते में, उनको बोल दे कि रास्ते में कर लेंगे, बंद है अभी तो। बस अब स्टार्ट करेंगे, बस 5 मिनट ट्रिप में लोकेशन लगा ली, ये 3.5 घंटे शो कर रहा है ऑलमोस्ट, तो 12 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। सामने गाड़ी खड़ी है, इसको फॉलो करेंगे। पीछे मोनू बैठा है ये, यस मोनू पूरे सीरियस होके बैठे हैं। मोनू को बोलो पीछे बंद कर ले, एक पता चले ब्रेक मारा और मोनू अपने ऊपर आ गया। और भाई ये इधर भाई इधर आओ इधर चल गए भाई मोनू आ गया आ गया आ गया मोनू इधर आना एक मिनट। ये इसको बोला भाई जाकर वो ले आ सामान लाने वहाँ, पहले ही बता मुझे तू मम्मी का चश्मा भी लेके आया है। हाँ मुझे पसंद है मम्मी का चश्मा लगाना इसलिए। अच्छा मेरी बात सुन, ये बंद कर लेना पीछे तो, चलो ब्रेक मारे हमारे ऊपर ही आ गया तू। नहीं नहीं भाई एक पानी की बोतल इधर भी ले आओ भाई मोन भाई, लेडीज चश्मा है। नहीं नहीं उसका होगा यार, लेडीज लग रहा मुझे तो। ये तो बाहर से भरे चश्मा तेरा सच में? ओके तो भाई अभी टाइम देख लो, 9 बजा दिए इन्होंने और अभी ये इनके ढोकले और ये जलेबियाँ चल रही है। वो ट्रिप का इन्होंने बोला 6 बजे चले जाएंगे, लेकिन 9 बजे तक तो यही चल रहा है अभी सिस्टम। भाई आपने बहुत लेट कर दिया। हाँ यार बस से दिखा रहे भाई, इस बंदे ने हमें लेट कर दिया। सॉरी सॉरी गाइस, क्या गुस्सा आएगा? अब क्या कहना चाहेंगे कनिष्क को? क्या ही बोले ऐसों को, बोलने वर्ड ही नहीं निकलते मुँह से। और फाइनली चल गए हम लोग, तेल वेल सब भरा लिया इनको, जो ब्रेकफास्ट करना था कर लिया, अब चल गए हाईवे से कंटिन्यू करेंगे हम। अब क्या कहना चाहेंगे, ट्रिप स्टार्ट हो गई फाइनली। अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पहले हमारी बेल्ट तो लग जाए। बेल्ट ही लग रही है आपकी? आप ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये वैसे भी आदमी हैचबैक में बैठ जाए तो ऐसा ही सीन होता है। तो अभी फाइनली हाईवे पकड़ लिया, अब टाइम हो रहा है शायद 10 बज गए होंगे, नहीं हाँ 10 बजने वाले, 9:40 में हो रहे हैं। कार अपने पीछे आ ही रही है वहाँ पे, ये देख सकते हैं पूरी कसरत कर रही है पीछे। अब आगे कहीं ब्रेक लेंगे रास्ते में लिया तो, वरना हमारी जो लोकेशन है उसका अराइवल बता रहे हैं, मतलब 12 बजे जो मैंने बताया था वहाँ पहुँचे हैं। फटाफट हाईवे खैर अच्छा, मैंने टोंक वाला हाईवे लिया है, ये उससे बेटर। अगर आगरा वाले से आप जाओगे वो ठीक है, पर उस पर ट्रैफिक रहता है, रश रहता है, तो हाईवे ज़्यादा बढ़िया आप देख सकते हैं। तो फटाफट पहुँचे हैं फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डिस्टेंस जो रह गया हमारा अराउंड 50 किलोमीटर और रह गया है, और हाईवे बहुत ही तगड़ा है। यहाँ जिस हाईवे से माया टोंक वाले से वही होकर आना, यहाँ से बस आपको टोंक के पास आके लेफ्ट होना पड़ेगा रणथंभौर, सवाई माधोपुर के लिए रणथंभौर, और हाईवे बहुत बढ़िया है, तो देख सकते हैं कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं। तो गाइस रणथंभौर तो हम पहुँच गए हैं फाइनली, होटल थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, देख सकते हैं हम यहाँ जंगल ही जंगल चालू हो गए हैं, और थार अपनी पीछे ही आ रही है। फटाफट जाके चेक इन करते हैं, आप होटल दिखाते हैं, एंड मज़ा आ रहा है भाई फुल, क्योंकि जंगल है पूरा ये कंप्लीट। यहाँ पे कॉशन भी रहता है, अगर आप आओ ना तो कोई भी वाइल्ड एनिमल यहाँ पे आ जाता है, तो उससे इसलिए कभी भी आप ट्रैवल करो यहाँ तो ऑन रोड वगैरह कैसे भी जाओ तो थोड़ा कॉशन और सेफ्टी बरत के चलें अपनी। अरे साइकिलों पे जा रहे हैं, ये साइकिलों पे जा रहे हैं, ये खतरों के खिलाड़ी हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, बट हम इतने खतरे ले सकते हैं। अब फटाफट होटल में चेक इन करते हैं, होटल दिखाते हैं, पर होटल कौन सा है, यहाँ से थोड़े सा किलोमीटर रह गया बस। तो गाइस अब फाइनली हम पहुंच गए होटल, मैप तो पता नहीं कहीं ले जा रहा किस गली में, मैप अभी भी 3 किलोमीटर बता रहा है, इसके भरोसे मत आना, ये हमारा होटल है। अरे भाई वो वेलकम कर रहा है यार, तुम्हें भी हाथ जोड़ने चाहिए, तमीज ही नहीं है। तो ये हमारे कॉटेज रूम वगैरह जो है इनके, अभी फटाफट चेक इन करते हैं, नहीं नीचे नहीं डालनी भाई गाड़ी, यही रोकनी है, अभी जाके चेक इन करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। एम्बियंस तो बहुत बढ़िया लग रहा है।
तो ये होटल है और इसमें कॉटेज रूम वगैरह सब है। अपना फटाफट चेक इन करते, जंगलों के बीच में मतलब बाहर एकदम सिटी से, कम से कम 10 किलो नहीं, चेक इन बोला फटा, मतलब जंगलों में है, सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पे है, बट बढ़िया है जगह भाई। इतने डिस्टेंस पे आए हैं, शहर से तो आए हैं, शहर के थोड़ी मजे लेने, थोड़े आउटस्कर्ट्स में लेंगे। एकदम राजस्थानी स्टाइल में चेक इन हुआ है। चेक इन वो अपन ने पेमेंट कर रखी ना, नाम से मेरे नाम से आ जाओ। चेक इन के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए, हमारे थार वाले खिलाड़ी थोड़े पीछे रह गए हैं और यहाँ पे आते जूस चालू हो गए हैं। फुल चिल है, वाटरमेलन है, क्या है, शरबत है ये शायद, रूह अफजा ना। तो गाइस चेक इन कर लिया, ये रूम आप देखो, रूम कितने बढ़िया हैं। ये साइड में ये हो गया और शीशा आप देख सकते हैं, बढ़िया शूटिंग हो रही है, मतलब रूम का साइज भी बढ़िया है, मतलब पैसा वसूल है भाई, जितना पैसे दे रहे ना बढ़िया है, मतलब सब लगवाओ रूम में। और ये देखो आप, एकदम फॉरेन वाला व्यू आ रहा है, पीछे कॉटेज रूम वगैरह है, पूल शायद उस साइड होगा, पूल का आपको भी दिखाएंगे भाई, ये तो इधर तो खेत है, पूल उस साइड का होगा, बाकी व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है भाई। और ये अपने वाला रूम है, ये देखो मस्त किंग साइज बेड और टीवी भी सब लगा हुआ है प्रॉपर। ये वॉशरूम हो गया और ये इधर का व्यू देख लो, उतना बढ़िया तो व्यू नहीं है जैसे उनके रूम से आ रहा है, लेकिन फिर भी बढ़िया है कि कम से कम आप सुबह उठ के ना यहाँ पे चाय वाय पीने तो मज़ा आ जाएगा। सोफ़ा लगाई है यहाँ, मस्त चाय रखी अपनी, व्यू इन्जॉय करा, तो वो फन तो है। रूम बढ़िया भाई गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये आते ही गिर गए हैं यहाँ पे। आप घूमने आए हैं या सोने आए हो? 3 घंटे से हम भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं। तो क्या हो गया यार, गाड़ी खैस थोड़ी देते, गाड़ी चलाई तो रहे हो इतने। हाँ कनाडा में ट्रक तो चला लेते हो, कनाडा में ट्रक है, कनाडा में 20 घंटे ट्रक चलाते हो। बिहार में गए थे यार, तुम बोल रहे हो क्या? देखो बात ऐसी बनी है, घूमने आए, देखो हमारे थार वाले दोस्त तो पता नहीं कहीं रह गए, थार वालों का ट्रांसमिशन निकल गया, ट्रांसमिशन निकल, उन्होंने 4x4 पे चला दी ज्यादा, तो वो ट्रांसमिशन बोल गया। गाइस व्यूज तो मस्त है यार एकदम, मतलब फुल एंजॉय है ना यार, जी छोटा है, जी बड़ा है, एक स्टेटस डाल देते हैं, फुल एंजॉय, हैशटैग फुल एंजॉय। गाइस ये वो बंदा है जिसने टोल बचाने के लिए, 50 रुपए का टोल बचाने के लिए इनको पता नहीं कौन से हाईवे पे डाल दिया। भाई रोड कैसी थी वहाँ? स्ट्रेट हाईवे था भाई, रोड कैसी थी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। रोड कैसी थी वहाँ पे? रोड कैसी भाई? रोड का पता नहीं, रोड भाई रख रहे थे भाई, अच्छी रोड नहीं थी, रोड थी, रोड तूने फोन पे बोला रोड ही नहीं है, मुझे फोन पे बोलता भाई रोड ही नहीं है। भाई देखो आपको ऑफ रोड करनी थी, इसने ऑफ रोड करा दी। अरे भाई क्या बोलो, गाली दे नहीं सकते। मोनू सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का टोल था जो आपने बचाया है भाई, टोल बचाने के लिए थोड़ी लिया, जो उसने लोकेशन दिखाई उससे आ गया ना, वॉइड टोल कर दिया उस पे मैप्स पे ना, मेरा नहीं था वो फोन, करण का था, इसके वॉइड टोल था तो उसके चक्कर में कोई बात नहीं। तुमने ऑफ रोड कर ली ना 4x4 से, ये बताओ कर ली। हमने कौन कौन से जानवर देखे रास्ते में, ये रूम है ट्विन बेड वाला, अभी फाइनली चेक इन हो गया, इसमें बालकनी मिली बढ़िया, यहाँ पे बैठ के फुल एंजॉय करेंगे रात को, एंड सुबह चाय वगैरह पियेंगे मस्त, यहाँ से व्यू बढ़िया दिख रहा है। ये शायद उधर है मेरा 400 फर्स्ट वाला है, ये रूम है ट्विन बेड से देखते हैं, बढ़िया भाई बालकनी मिल गई जो नीड था भाई, क्योंकि बालकनी में बैठ के बात करेंगे, एंजॉय करेंगे, इधर जो है फुल एंजॉय चल रहा है, फुल एंजॉय भाई, बढ़िया है बालकनी में बैठ के ना बात बात करेंगे। शाम के बज गए 5:30 और यहाँ पे हम पूल की साइड जा रहे हैं, थोड़ी चिल करेंगे, चिल क्यों भाई, मोनू फुल चिलिंग भाई, भाई मोनू को फॉलो कर लो भाई, मोनू बहुत बढ़िया, क्या हूँ आप वैसे बहुत बढ़िया इंसान है, मोनू को फॉलो कर लो आप। अभी ये शाम को 7 बजे ग्राउंड खुल जाएगा, यहाँ पे सिटिंग है, एरिया बढ़िया, इस साइड टेंट्स वगैरह हैं और उस साइड कॉटेज वगैरह थे, ये पूल है देख सकते हो भाई, पूल बढ़िया है, बहुत रश भी नहीं अभी तो है भाई, बिल्कुल प्राइवेट पूल हो जाएगा ऐसे, वहाँ अंदर की साइड देख सकते हैं, वहाँ भी एंट्री है, ये बढ़िया पूल है, वो शायद बच्चों का होगा, लेकिन ये पूरा इस साइड से वो दिखाता हूँ एक बार, बढ़िया बना रखा पूल, अब फुल एंजॉय हो जाएगा यहाँ पे, हैशटैग फुल एंजॉय। अच्छा ये ऊपर से हल्का सा भी बना रखा है ब्रिज, तो बढ़िया भाई, और वहाँ पे टेबल टेनिस है ना, टेबल टेनिस वगैरह भी उधर गेम भी देख सकते हैं, ये टीडी का टेबल, इधर गेम्स भी हैं और जिम भी है, जिम भी है, अच्छा उस साइड जिम भी है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे आपके रूम के साथ, तो आप सब यूज़ कर सकते हो, कोई इसका चार्ज नहीं है, ये जिम है यहाँ तो, और ये आपके मतलब सिटिंग एरिया, खाना वगैरह खाना है आपको, जो भी बच्चों के थोड़े स्लाइड्स वगैरह हैं, और इस साइड रूम्स ही रूम्स है, तो बढ़िया एम्बियंस भाई, आपको टीडी टेबल भी दिखा देते हैं हम।
मतलब जो भी गेम्स हैं यहाँ पे देख लो। यहाँ पे मंदिर आ गए, ये आपका टीटी, ये आपका कैरम, स्नूकर का टेबल है और उस साइड जिम है। कैफे खुल गया है, मतलब तैयारी व्यारी चल रही है एंड पूल में अपने दोस्त लोग पहुँच चुके हैं, अपन भी कूदते हैं फटाफट। ये है क्या चीज़, पेट का ब्लॉग भाई। अब आप फिटनेस की ध्यान नहीं रखते, हम क्या करें। ये देख सकते हैं भाई, अब फटाफट इसमें जाते हैं। बच्चे यार भाई, यहाँ से आप व्यू देखो भाई, बड़ा मजा आने वाला। अभी जाते हैं थोड़ा अंदर, करणवीर और को देखे कहाँ गए। अरे भाई रेडी, अब चलते हैं अंदर। ए वो क्या है, मोनू उधर देख वीडियो बन रही है, ब्लॉग में आएगी। अरे ज्ञान को बोलना, पूर्ण आज आने से पहले ही भैया से वो मांग ले बॉल, वो वॉलीबॉल वगैरह दे देंगे। चल चल को जाना, अपना जाना, यार तू क्या कह रहा है। गाइस ये देखो, ये पूल में कूद नहीं रहे बिल्कुल ही, इधर घूम रहे हैं ये। इनको देखो अब, ये पूल में आने के लिए बहुत मनाही कर रहे हैं। सुन ये फाइनली पूल में आ चुके हैं, फुल एंजॉय चल रहा है। मोनू भाई आपने ऐसी डाइव मारी, आपने पूल तोड़ दिया, पूल तोड़ दिया मोनू ने। अरे भाई यहाँ पे मैच चल रहा है, वो मैच चल रहा है यहाँ पे है। कॉटन कैंडी नहीं है ये, वो है बर्तन बन रहे हैं। और यहाँ पे देखने जा कर रात को, ये कैफे खुल गया, मस्त मैच चल रहा था, हमने लाइव म्यूजिक चल रहा था, बढ़िया सीन है। अंदर एक कैफे लेके आए हैं, रूफ टॉप है बढ़िया, इसका नाम है एरिया 51। अच्छा एरिया क्या, एरिया T16 भाई, 51 है क्या जयपुर में, एरिया T16 है। हाँ T16 बढ़िया, भी एम्बिन्स वगैरह। तो गाइस वेलकम टू डे टू। अभी सुबह के बज रहे हैं अराउंड 6 बज गए एंड हमारे सफारी का टाइम होने वाला है। उन्होंने हमें 6:15 का अराउंड टाइम दिया था सफारी का, तो 15 मिनट है, हम रेडी हुए हैं नीचे, वो हमें पिक करने होटल ही आएंगे, हम उनका वेट कर रहे हैं आपको। मैं ना देखो भाई साहब, सुबह के सीन देखो, आप बाहर जाके दिखाता हूँ, मतलब भाई क्या फीलिंग आ रही, बाहर चल के देखते हैं एक बार। तो ये देखो बाहर आ गए, एकदम ऐसी फीलिंग आ रही ना जैसे हिमाचल आ गए भाई साहब, फुल शांति। मतलब कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा यार, बहुत लो क्वालिटी आ रही है, रियलिटी में तो पूछो मत आप, नेक्स्ट लेवल फन है। ये देखो ये जानवर की आवाज़ आ रही है जंगलों में से एंड वॉट नॉट। वैसे अब थोड़ा दिन हो गया है, तो हो सकता है थोड़ा बेटर व्यू आ रहा हो आपको, बट यार क्वालिटी इतनी पकड़ नहीं रहा, मतलब जो नेचर की क्वालिटी है ना एक्चुअल, वो कैमरा नहीं पकड़ पा रहा जो मैं फील कर पा रहा हूँ, बट ठीक है, समहाउ इट्स ओके। बट हाँ बहुत बढ़िया जगह है रुकने के लिए। अभी तो चाय चल रही है क्योंकि कैब वाले, वो सॉरी हमारा जो कैंटर वाला, उसे आने में टाइम लगा दिया थोड़ा, वो बोला थोड़ा सा लेट आएगा, तो चाय पी रहे हैं, चाय ब्रेक चल रहा है। तीन जने तो रेडी है, बाकी सो रहे हैं भाई। अभी यहाँ पे मस्त व्यू इन्जॉय करते हैं, चाय चल रही है। भाई फोन गिर जाएगा, क्या हो गया, ये दोस्ताना है, चलता है। सब कुछ चुप करा देगा, बोले भैया अब तुम चुप बैठो, मैं बोलूंगा। जिप्सी तो पीछे लग जाता है, एक बार नहीं भाई, वीडियो से एक जिप्सी के ऊपर चढ़ गया था, मैंने एक बोनट पे पैर रख के, और बंदे बिल्कुल ऐसे चुप, अब क्या करें। वीडियो देख रहा था, वो गिर गया 2 महीने पहले की बात, 1.5 महीने पहले की बात। टीचर बार तो देर सामने छोड़ते आ चुके हैं। आगे ले जाओ, क्या हो रहा है।
आवाज दे रहा है किसी को, आवाज दे रहा है वही। यहाँ पे शेर है और ये शायद इसका शिकार करने आ रहा, पता नहीं क्या सीन है। वो भाग गया भाई, वो भाग गया शायद। यहाँ पे शेर है इसलिए भाग गया, इसका शिकार करने आ रहा था शायद। क्यों मारना चाहता है किसी को सुबह सुबह? भाई अब शिकार करके ले जा रहा है किसी का। तभी वो आवाज लगा रहा, तभी वो वही चिल्ला रही थी भाई। यहाँ पे उसके बच्चे का शिकार कर लिया, तभी वो चिल्ला रहा था। बच्चा है भाई, शेर का बच्चा ही है। अरे ये क्या है भाई हमारे सामने? वो ले गया, ले गया। बोला जिप्सी कराओ, ये कहीं से निकाल दो। और भाई वही खाएगा, गलती कर दी एंटर लेके भाई। व्यू तो इसलिए बोला जिप्सी कराओ भाई। वो कोई कोई भाई उसको कोई पता नहीं, जिप्सी भी चढ़ जाए गुस्से में। ले गया भाई, ले गया भाई। तो भारी भी तो कितना होता है, उठा उठा मुंह से उठा के ले जा रहा है वो। इधर है राइट साइड। तो वैसे अभी सफारी करके हम बैक टोटल आ गए, एंड देखो अब आगे सब कुछ हो गया ऐसे, और अब पैकअप करके बस जयपुर निकलेंगे। एंड जो मैंने आपको वीडियो में टाइगर दिखाया वो एक्चुअली फीमेल टाइगर है, एंड उसका नाम था एरो हेड। बिकॉज इनके जो नाम रखे जाते हैं ना यहाँ पे, एक्चुअल 75 टाइगर हैं, तो इनके जो नाम रखे जो बॉडी पे निशान होता ना, उसमें जैसे एक फेमस टाइगर था यहाँ पे, उसका नाम मछली था, तो इसकी मछली बनी थी बॉडी पे, तो इसके एरो हेड बना था, तो इसका नाम एरो हेड था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और इसके साथ में दो इसके बच्चे भी थे, लेकिन वो दिखा नहीं पाए क्योंकि हम लोग जब पहुँचे तो वो लोग मतलब चले गए थे वहाँ से धूप की वजह से। एंड उन सब ने मतलब वो जो वीडियो में आपको डियर दिखाया ना, सब ने मिलकर खाया था, वो अपने बच्चों को ले गई थी बेसिकली, तो वो चीज़ है। अब जयपुर के लिए निकलेंगे यहाँ से बस पैकअप करके। तो गाइस डिस्टर्बेंस, हाँ तो गाइस ब्लॉग्स ऐसे आते रहेंगे मस्त मस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, मस्त मस्त ब्लॉग आते रहेंगे आगे भी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।